दूर करने के लिए सराफा व्यापारियों को झांसा देकर ठगी करने वाले दंपति की और दो करतूत उजागर हुई है। उन्होंने मूलचंद साहिबलाल सराफा तथा करण कोठारी के साथ ही इतवारी के कक्कड़ ज्वेलर्स तथा बजाज नगर के वामन हरिपेटे ज्वेलर्स से भी मंगलसूत्र उड़ाए है। बुधवार को कक्कड़ ज्वेलर्स का मामला दर्ज किया गया। ज्ञात हो कि तहसील पुलिस ने आरोपी छाया भोयर और उसके पति राकेश भोयर को गिरफ्तार किया है। उनसे गहने सहित 8,31,000 रुपए का माल बरामद किया है। छाया पहले रामदास पेट की होटल सेंटर पॉइंट में अकाउंटेंट थी, जबकि राकेश वेटर है। उन्हें 6 माह की बेटी है। गर्भवती होने के दौरान नौकरी छूट जाने से छाया बेरोजगार हो गई थी। बेरोजगार भाई की भी जिम्मेदारी होने से वो पैसा कमाने का मार्ग खोज रही थी। उसने 21 अक्टूबर को इतवारी सराफा बाजार के मूलचंद साहिबलाल सराफा ज्वेलर्स तथा 25 अक्टूबर को कोठारी ज्वेलर्स के कर्मचारियों को झांसा देकर मंगलसूत्र उड़ा लिए थे। सीसीटीवी से तहसील पुलिस ने दोनों गुत्थी सुलझाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका पता चलने पर शंकरलाल कक्कड़ ने भी उनके यहाँ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई। शंकरलाल की टांगा स्टैंड पर कक्कड़ ज्वेलर्स है। भोयर दंपति ने कक्कड़ ज्वेलर्स से ही योजना आरंभ की। 20 अक्टूबर को मंगलसूत्र खरीदने बहाने छाया कक्कड़ ज्वेलर्स में आई। मंगलसूत्र पसंद करने के बहाने सेल्स गर्ल्स की नजर बचाकर 1.5 लाख रुपए का मंगलसूत्र उड़ा लिया। कक्कड़ द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किए जाने से छाया के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद उसने 21 और 25 अक्टूबर को दूसरी तथा तीसरी वारदात को अंजाम दिया। बुधवार को शंकर कक्कड़ की शिकायत मिलने के बाद तहसील पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में भी भोयर दंपति की गिरफ्तारी की जाएगी। वामन हरिपेटे ज्वेलर्स का मामला पहले ही दर्ज है। 25 वर्षाची महिला अटक केलेली आहे, तिच्याजवळ लहान बाळ आहे। या अटकेच्या कारवाईमध्ये असे एकूण 3 गुन्हे आमच्या पोलिसांना दाखल होते की करण कोठारी कक्कड व वामन हरिपेठे यांच्या दुकानामध्ये चोरी झाली होती। सोन्याचे दागिने त्यांच्या दुकानातून गिरायकांनी चोरलेले आहेत अशी तक्रार आमच्याकडे आली होती। तर याचा तपास लक्ष्मण शेंडे, हवालदार लक्ष्मण शेंडे यांना दिला होता। तर त्यांनी आपलं कौशल्यपणाला लावून सदरची जी महिला आहे यांना शिताफीने अटक केलेली आहे महिला पोलिसांच्या मदतीने। आणि तिच्याकडून एकूण या 4 गुन्हे तिने केलेले आहेत आणि 4 गुन्ह्यामध्ये 8,31,000 रुपयाचा मुद्देमाल, सोन्याचे दागिने, सोन्याचांदीचे दागिने सदर महिलेकडून जप्त करण्यात आलेले आहे। सदर महिलेला सदर गुन्ह्यात अटक केलेली आहे। सदरची महिला ही उच्च शिक्षित आहे। ती सेंटर पॉइंट हॉटेलमध्ये क्लर्क अकाउंटंटचं काम करायची, तरीही तिने या प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे चोरीचा। तिच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।